दिस इज पेपर 5-1 वेरिएंट नवंबर 2022। इसको आज हम सॉल्व करते हैं। पेपर 5-1 स्टैटिस्टिक्स वेरिएंट 5-1 2022 क्वेश्चन 1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज शोन बिलो। इस टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो गिवन दैट EX इज इक्वल टू 0.28, EX होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X या मीन वैल्यू ऑफ X, दिस इज गिवन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है, EX का फार्मूला होता है हमारे पास समेशन X इंटू PX। X को और PX को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है हमने, और EX जो है ये गिवन है यहाँ पे 0.28। तो X और PX को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें X हमारे पास -2 है और प्रोबेबिलिटी 0.12 है पहले कॉलम में। तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 0.12 प्लस ये समेशन मीन साइन जो है, जो समेशन का है सम का है, सम हमने करना है, प्लस पी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ, प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। तो ये पी और क्यू में एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इसको सिंपलीफाई करेंगे, वी विल गेट 0.28 इज इक्वल टू -0.24 माइनस पी प्लस 0.5 क्यू प्लस 0.16 प्लस 0.6। फर्दर सिंपलीफाई, 0.28 इज इक्वल टू 0.52 माइनस पी प्लस 0.5 क्यू। तो इसको यूं लिख लेते हैं, पी माइनस 0.,  ये हम टर्म्स को ऐड कर दिया, 0.5 क्यू इज इक्वल टू 0.24। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एक और इक्वेशन होगी, हमने ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है, हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करके इक्वल 1 करेंगे। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन पी और क्यू में आ जाएगी। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है 0.12 प्लस पी प्लस क्यू, प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर रहे हैं, पी प्लस क्यू प्लस 0.16 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, पी प्लस क्यू प्लस 0.58 इज इक्वल टू 1। तो पी प्लस क्यू जो होगा वो 1 माइनस 0.58 दैट बिकम्स 0.42। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now we will solve these two equations 1 and 2 simultaneously. हम elimination method से P को cancel कर देंगे, P plus Q, P equation number 1 is P minus 0.5 Q is equal to 0.24। सेकेंड इक्वेशन है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0.42 सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, ये कैंसल आउट हो जाता है,
-1.5 क्यू इज इक्वल टू -0.18। तो फ्रॉम हेयर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो क्यू हमारे पास आ जाएगा 0.18/1.5, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 0.12। ये क्यू की वैल्यू है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ क्यू इन एनी इक्वेशन, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं क्यू की वैल्यू। तो पी प्लस क्यू हमारे पास 0.12 है, इज इक्वल टू 0.42। फ्रॉम हेयर पी इज इक्वल टू 0.3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिडेंस ऑफ प्रशांत वार सर्वेड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ देयर इंटरनेट सर्विस। 12% रेटेड द सर्विस एज पुअर, 36% रेटेड इट एज सेटिस्फैक्ट्री एंड 52% रेटेड इट एज अ गुड। ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 8 रेजिडेंट्स ऑफ प्रशाम इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 एंड फ्यूर देन 8 ऑफ देम रेट देयर इंटरनेट सर्विस एज अ पुअर और सेटिस्फैक्ट्री। ये देखें, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 8 रेजिडेंट्स हमने एक सैंपल लिया है, उनमें से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टू मोर देन टू और फ्यूर देन 8 जो है रेट द इंटरनेट सर्विस एज अ पुअर और सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे वर्ड पुअर और सेटिस्फैक्ट्री के दरमियान और है, इसका और मीन होता है एड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पुअर और सेटिस्फैक्ट्री उनकी प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास पुअर प्लस सेटिस्फैक्ट्री उन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। तो ये हमारे पास आएगा 0.12 प्रोबेबिलिटी पुअर की और सेटिस्फैक्ट्री की प्रोबेबिलिटी 0.36 है। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0.48 आ जाता है। दिस इज पी इन द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पी इज 0.48 और क्यू होता है 1 माइनस पी। तो 1 में से ये पी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्यू आ जाएगा, दैट इज 0.52। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 एंड फ्यूर देन 8। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है 3 मोर देन 2 एंड फ्यूर देन 8, 3 हो सकता है, 4, 5 भी हो सकता है, 6, 7, इनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने ऐड करना है। या अदर वे हम 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उनमें से मिसिंग वैल्यूज जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये देखें यहाँ पे 0 मिस है, 1 मिस है, 2 मिस है और 8 मिसिंग है। तो हम सेकंड जो ऑप्शन है वो यूज करते हैं। फार्मूला इस पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। फार्मूला बाइनोमियल का होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर, क्यू की पावर एन माइनस आर और पी पावर आर। ये फार्मूला हमें यूज करना है। नो वी विल पुट द वैल्यूज इन दिस, प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 विल बी 8C0 यूजिंग फार्मूला 8C0। क्यू हमारे पास 0.52 है, इसकी पावर आई एन माइनस आर, दैट इज 8।
क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर है हमारे पास आर पी 0.48 है, इसकी पावर आ जाएगी 0 प्लस। अब 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 8C1 क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर होगी आर 0.48 की पावर 1 हो जाएगी, 8C2 क्यू की 8C2 क्यू की पावर एन माइनस आर पी पावर आर। नेक्स्ट इज 8C8 क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। तो ये हमारे पास एक आ गया है और प्रोबेबिलिटी आ गई है, और इसको हम अब सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस फर्स्ट टर्म को हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0053 4597। सेकेंड टर्म विल बी सिम आफ्टर सिंपलीफाइंग विल वी विल गेट 0.03 9478। नेक्स्ट टर्म आफ्टर सिंप्लीफाइंग 0.12 7544। नेक्स्ट टर्म इज 0.00281 79। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0.825, करेक्ट 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूज एन अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 72 ऑफ दीज रेजिडेंट्स रेट देयर इंटरनेट सर्विस एज गुड। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड जो होगा वो हमारे पास पी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इज 52%। ए रैंडम सैंपल ऑफ 125 रेजिडेंट्स ऑफ परशाम इज नाउ चूजन। एन हमारे पास जो है 125 है और हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो रेट द इंटरनेट सर्विस एज गुड वो हमारे पास 0.52 है, पी इज 0.52 और क्यू इज 0.48। ये हमारे पास डेटा है, बट अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 72 ऑफ दिस रेजिडेंट। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 72। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आ गई है तो हम कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे इसकी, तो ये इसका बन जाएगा, लेंगे हम अपर बाउंड। अपर बाउंड ऑफ 72 है 72.5, 0.5 उसमें हम ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम एक्स इज ग्रेटर देन 72.5, 72.5। नो वी विल कन्वर्ट इट इंटू जेड। जेड होता है हमारे पास एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स को जेड में चेंज करेंगे ताकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से इसको देख सकें। ये जो 0.5 हमने ऐड किया ये कंटिन्यूटी करेक्शन होती है, कंटिन्यूटी करेक्शन। तो ये पॉइंट ग्रेट अपर बाउंड लिया है इसका, तब जेड में कन्वर्ट करेंगे दिस बिकम्स जेड इज ग्रेटर देन एक्स माइनस म्यू। एक्स हमारा 72.5 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो हम म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है वो बाइनोमियल से लेंगे तो
बाइनोमियल में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से हम म्यू और सिग्मा फाइंड करेंगे। तो बाइनोमियल में म्यू होता है हमारे पास एन इंटू पी, एन जो है वो 125 है, पी इज 0.52, तो कैलकुलेट करेंगे तो म्यू हमारे पास आ जाएगा 65। इसी तरह सिग्मा स्केयर होता है एन इंटू पी इंटू क्यू, तो ये हमारे पास, तो हमने सिग्मा फाइंड करना है तो सिग्मा विल बी अंडर रूट ऑफ एन इंटू पी इंटू क्यू, वो आ जाएगा हमारे पास 125 इंटू 0.52 इंटू 0.48 स्केयर रूट ऑफ दिस। इसको स्केयर रूट इसका लेंगे तो वो 5.586 आ जाएगा। अब हम म्यू और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 72.5 माइनस म्यू इज, ये देखिए म्यू 65 है, 65 ओवर 5.586। इसको सिंपलीफाई करेंगे वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1.343। तो यह अब यहाँ पे ग्रेटर का साइन आया गया, इसको हमने लेस बनाना है कि हमारी डेफिनेशन में लेस का साइन होगा तो हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देख सकते हैं। तो ग्रेटर के साइन को लेस बनाने के लिए हम वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन 1.43, 1.343। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी, ये फाइव यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, फाइव प्रोबेबिलिटी, दिस मीन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.343। अब हम इसको टेबल में से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे इसको, 1.3 को पहले 4 में देखेंगे, 1.3 को जेड के अगेंस्ट देखेंगे 4 में, और फिर उसमें 3 में देख के ऐड करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से आपने देखना है तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 0.9104, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0896। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द लायंस एंड द टाइगर्स आर टू बास्केटबॉल क्लब्स, द हाइट्स इन सीएम ऑफ द 11 प्लेयर्स इन ईच ऑफ देयर फर्स्ट टीम स्क्वाड्स आर गिवन इन द टेबल। ये लायंस और टाइगर्स की जो है वो हाइट्स गिवन है 178, 186 एंड सो ऑन। ये लाइंस की है, टाइगर्स की 194, 179 एंड सो ऑन। ये टाइगर्स की है, ड्रा बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ये दोनों का डाटा एक ही डायग्राम पे अपने रिप्रेजेंट करना है, बैक टू बैक स्टेम प्लॉट इसको कहते हैं। तो हम स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाएंगे, इसमें आपने देखना होता है कि वैल्यूज स्टेमिन के लिए कॉमन होगा और लीफ दोनों के डिफरेंट होंगे। आप देख रहे हैं कि लाइंस के लिए वैल्यूज आ रही हैं 160s में भी आ रही हैं, 170s में भी आ रही हैं, 180s में भी आ रही हैं और 190s में भी आ रही हैं। इन द सेम वे टाइगर्स की भी इसी तरह 170s में भी हैं, 180s में भी हैं, 190s में भी हैं, 200s में भी एक वैल्यू आ रही है 201। तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम के लिए हम स्टेम बनाते हैं, ये उसका ये तरीका होता है, बैक टू बैक स्टेम प्लॉट। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेम, यहाँ पे लायंस
क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ड्राई बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद द लायंस ऑन द लेफ्ट। ये लायंस को लेफ्ट पे रखे हैं और टाइगर्स राइट पे। दिस इज स्टेम। अब आपने देखना है कि हमारे पास 160s में वैल्यूज आ रही हैं, तो 160s में जो आ रही हैं उनके लिए स्टेम हम 16 ले लेते हैं। 170s में भी वैल्यूज हैं वो, उसके लिए 17 को हम स्टेम ले लेते हैं। इसी तरह 18 19 में भी हैं, 190s में भी वैल्यूज हैं, 200s में भी हैं, तो उसके लिए 20 ले लें यहाँ ये स्टेम में। अब हमने पहले लाइंस के लिए इसको कंप्लीट करना है। लाइंस में देखें आप, 178 वैल्यू है, 17 ये है, तो हम 8 यहाँ लिख लेते हैं। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। 179 भी एक वैल्यू है लाइंस में, उसका 9 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह टाइगर्स में देखें आप, 179 टाइगर्स में एक वैल्यू 179 है, वो 17 में आती है, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं। इसी तरह ये 16 जो है इसके अगेंस्ट भी 160 में वैल्यू लाइंस की एक है, वो 169, तो यहाँ पे उसका 9 लिखते हैं। इसी तरह 180s में लाइंस के लिए 180 भी है, एटीन्स के यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और 181 भी है, तो 1 यहाँ पे, 186 भी है 6, 187, 189, 189 9 यहाँ लिख देंगे। 19 में 190 में वैल्यूज आएंगी लाइंस की, 190 भी है 0, 190 दो दफा है तो फिर 0, उसके बाद है 196, तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे। ये लाइंस का पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं। 20s में लाइन में 200s में कोई वैल्यू नहीं है, तो अब टाइगर्स की तरफ आते हैं। 16s में 160 में वो कोई टाइगर की वैल्यू नहीं है, 17 में 170 में 179 है वो हमने लिख लिया है, 180 भी है 0 यहाँ लिखेंगे, 183 है 3 यहाँ लिख लें, 184 है, 187 भी है, तो ये कंप्लीट हो गया 180 वाला जो है, ये रो कंप्लीट हो गई है। 190s में टाइगर में 190 पूरी वैल्यू भी है, 0 यहाँ लिख लेंगे, 191 है, 194 है, 195 है, 197 है, और 200 में भी एक वैल्यू है 201, तो वो 1 हम यहाँ लिख लेंगे। इन दोनों के लिए हमें पहले की शो करनी है कि ये स्टेम और लीफ डायग्राम से क्या रिप्रेजेंट होता है। तो ये देखें, यहाँ पे हमें की बनानी है कि 1 लायंस के लिए 1-18 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 181 cm को, ये है लायंस के लिए की। तो टाइगर्स के लिए जो है ये 18 लाइन यस डैश 3, दिस मीन्स 183 cm, ये टाइगर की है। अब हमें ये हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हमने इसके आंसर्स देने हैं। फाइंड द मीडियन एंड इंटरक्वार्टर रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ लायंस एंड फर्स्ट टीम स्क्वाड। तो मीडियन होते हैं सेंट्रल वैल्यू,
मीडियन फाइंड करने का यह तरीका होता है, मीडियन मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन को क्यू टू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 1/2 एन प्लस वन वैल्यू। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, इसमें देखें 11 प्लेयर्स हैं, एन आपके पास 11 होगा, 1/2 11 प्लस वन, तो ये 12, दिस विल बिकम सिक्स्थ वैल्यू। तो सिक्स्थ वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन होगा। तो सिक्स्थ वैल्यू ये हमें मीडियन फाइंड करना है हमने लायंस के लिए। लायंस के लिए सिक्स्थ वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी ये मीडियन वैल्यू ऑफ फॉर लाइंस होगी। तो इस वैल्यू को देखेंगे तो ये 18 के अगेंस्ट है 6, तो ये बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द की 186। तो सो हमारे पास मीडियन जो है वो Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q2 हमारे पास आ जाएगा 186। इन द सेम वे अब हमने लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो लोअर क्वार्टाइल ये देखिए, ये मीडियन जो 6 है ये दिस इज द मिड वैल्यू, मीडियन मिड 50% थ्रू द डाटा होता है, इस वैल्यू ने इस डाटा को डिवाइड कर दिया 2 इक्वल हाफ में। तो लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या क्या है कि फर्स्ट हाफ का फिर से हमने मीडियन लेना है। फर्स्ट हाफ जो है 9, 8, 9, 0, 1, ये फर्स्ट हाफ है, ये जो 6 मैंने इसको सर्कल किया है, दिस इज द मीडियन, दिस इज द 50% थ्रू द डाटा 7, 9, 0, 0, 6, ये सेकेंड हाफ है। फर्स्ट हाफ का फिर से मीडियन लेना है इन द सेम वे जो ऊपर आपको दिया हुआ है। इसमें पिछले फर्स्ट हाफ में वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 में 1 ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा। लोअर क्वार्टाइल हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 5, तो 1/2 5 प्लस 1, ये 6 2 से डिवाइड होकर ये आ जाएगा 3। थर्ड वैल्यू विल बी द फर्स्ट हाफ का मीडियन, थर्ड वैल्यू होगी उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, थर्ड वैल्यू इज 1, 2, 3, दिस इज द थर्ड वैल्यू। तो ये 17 के अगेंस्ट है 9, तो ये 179 बन जाएगा। तो सो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल है 179, दिस इज द लोअर क्वार्टाइल 179। इन द सेम वे अपर क्वार्टाइल क्या होगा, उसको Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सेकेंड हाफ, मीडियन से नेक्स्ट हाफ जो है सेकेंड हाफ कहते हैं, उस सेकेंड हाफ का फिर से मीडियन ही लेना है, तो वो दैट विल बिकम द अपर क्वार्टाइल। मीडियन से नेक्स्ट हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, तो इन द सेम वे 1/2 n+1 वाले प्रोसेस से वो भी थर्ड वैल्यू आएगी। तो उसकी थर्ड वैल्यू जो बनती है 7, 9 फिर 0 है, तो वो 19 के अगेंस्ट 0 है, तो ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये। तो ये हमारी अपर क्वार्टाइल होगी 19 के होंगे अगेंस्ट 0, तो दिस बिकम्स 190। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, इंटर क्वार्टर रेंज। तो इंटर क्वार्टर रेंज, इंटर क्वार्टर रेंज होती है अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3 माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल इज 190, लोअर क्वार्टाइल इज 179, तो वी विल गेट 11। ये हमारी इंटर क्वार्टर रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट इज, इट इज गिवन दैट फॉर द टाइगर्स, ये टाइगर्स के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। टाइगर्स के लिए ये देखें, हमने लायंस के लिए मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल फाइंड कर लिया है, ये हमने खुद फाइंड किया है लायंस के लिए, और टाइगर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है
लोअर क्वार्टाइल देखें 183 cm में, मीडियन इज 190 एंड अपर क्वार्टाइल इज 195। नो क्वेश्चन क्या है, मेक टू कंपैरिजंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द प्लेयर्स इन द लायंस फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द हाइट्स ऑफ द प्लेयर्स इन द टाइगर्स फर्स्ट टीम स्क्वाड। आपने दो इनको कंपेयर करना है इनकी हाइट्स को, तो दो आपने कमेंट करना है इसको कंपैरिजन करके। तो कंपैरिजन हम देखें, ये देख रहे हैं हम कि कंपैरेटिवली अब अगर हम कंपेयर करें मीडियन, तो मीडियन ऑफ द टाइगर्स इज ग्रेटर देन द मीडियन ऑफ लायंस। तो फर्स्ट कमेंट हम कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज देख के, हाइट्स देख के, और इसका मीडियन कंपेयर कर लेते हैं। मीडियन इज कंपैरेटिवली ग्रेटर ऑफ टाइगर्स देन लायंस। एक कमेंट हमारा हो सकता है टाइगर्स आर टालर, क्योंकि जिनकी हाइट है, हाइट्स गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि टाइगर्स और टॉलर। तो सेकंड कमेंट है हमारे पास, आप देख रहे हैं कि लायंस और टाइगर्स की वो हाइट्स जो हैं, हाइट्स जो लायंस की हैं वो ज़्यादा वो मोर कंसिस्टेंट हैं देन द हाइट्स ऑफ द टाइगर। दूसरा कमेंट हम कर सकते हैं कि हाइट्स ऑफ टाइगर आर लेस कंसिस्टेंट। देन हाइट्स ऑफ देन हाइट्स ऑफ लायंस। तो ये कमेंट आप उस डाटा को देख के, जो भी क्वेश्चन में डाटा हो तो उसको केयरफुली देख के फिर हम कमेंट कर सकते हैं।